नमस्कार साथियों, जैसा कि मेरा आपसे वादा था कि रोज़ मेहरुली की एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको परिचय कराऊंगा जिनका राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी न किसी तरीके से उन्होंने पहचान बनाई है। तो आज मैं आपकी पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता से करवा रहा हूँ जो इन दिनों मेहरुली में जिनका बहुत ही अच्छा सहयोग चल रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए मैं आपको परिचित करवाना चाहूँगा उपेंद्र सिंह जी उर्फ सन्नी से, जो हमारे गांव के एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सर आपसे अभी फ़िलहाल जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है उसके लिए आप हमारी मेहरुली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि सर जो पिछले कई वर्षों से आप जैसे सामाजिक मुद्दे हो या राजनीतिक मुद्दे हो, कहीं भेदभाव हो, आप अपने चैनल पे दिखाते आ रहे हो। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जैसे युवा अपने चैनल के द्वारा जो कोरोना से लड़ने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, घर घर जा रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप खुद भी मेरे से ज़्यादा मदद कर रहे हो मुझे जहाँ तक मालूम है। नहीं, आप सबका सहयोग अच्छा है। और मेहरुली की जनता से मैं यही अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें। कोरोना से लड़ना है तो आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, बस यही मेरी सबसे मेन तो यही है कि आप अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना से जंग हम जीत जाएंगे। बिल्कुल सही सर ने संदेश दिया कि आप सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, घर में ही रहें। सर, जैसा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप हमेशा हर काम में आगे रहते हैं, तो कोरोना की लड़ाई में जो लोग आर्थिक रूप से जिनको सहायता चाहिए, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं सर? मेरोली 10,000 आबादी वाला कस्बा है, तो 22 तारीख को जब मोदी जी ने 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया था तो भाई मेरोली में उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, निम्न से भी नीचे वर्ग के लोग रहते हैं और ज़्यादातर तो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं जिसके अंदर जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाना खाते हैं। ऐसे में ये समस्या उन लोगों के लिए हो गई गांव के अंदर कि उनके रोज का खर्चा कैसे चलेगा। जी, तो सब लोगों ने मिलकर, हम लोग हमारी जो टीम है, टीम नरेंद्र सिंह मेरोली और उसके सभी कार्यकर्ता मिलकर हम लोगों ने एक प्लान तय किया। अगर सबसे पहले तो है भाई पंचायत उनका खर्चा उठाए, अगर पंचायत नहीं उठाती है तो उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की कर रखी थी और हम लोग आपस में बैठे, फिर बात हुई नरेंद्र सिंह जी से, मेरी बात हुई भाई अपनी पंचायत में कोई भी निम्न गरीब जो परिवार है वो भूखा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ, जिसके फलस्वरूप हमने कल पंचायत को 61 कट्टे तो आटा के दिए और 4 चावल के और 1 चीनी का कट्टा दिया। और जब भी जरूरत पड़ेगी मेरोली की जनता को जी, तो हम लोग तैयार रहेंगे। आप लोगों से मैं ये वादा करता हूँ किशन कांत जी, मेरोली में किसी भी व्यक्ति के घर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन से तैयार है, किसी भी मेरोली की जनता को भूखा नहीं सोने देंगे। बिल्कुल, बहुत देखिए कल इनकी टीम के द्वारा जो सहयोग किया गया उसमें 61 कट्टे थे आटे के, 4 चावल के और 1 चीनी का, बहुत ही अच्छा सहयोग, जानदार सहयोग किया इन्होंने। एक हमारे जो युवा हैं सर, मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, हमारे ये युवा हैं, आप उनके दिल की धड़कन हैं। कैसे हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। युवा आपको बहुत पसंद करते हैं, क्यों करते हैं सर? नहीं नहीं कृष्ण कांत जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शुरू से ही 36 कौमों से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, जैसे वो उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा कि जाति समाज काम नहीं आता, अगर आदमी का व्यक्तिगत व्यवहार होगा वो काम आएगा। जी जी जी, तो इस आधार से लिए मैंने काम किया और मेरोली की 36 कौम से मैं जुड़ा, और जब भी उनको आधी रात को भी कोई समस्या आती है तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैं समय पर उनके पास जैसा भी हूँ उनके लिए हाजिर रहता हूँ, उनकी जो समस्या होती है उसका निवारण करता हूँ। ये बस है, बस ऐसी तो कोई बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कम उम्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ख्याति बढ़ती रहे। और ये जो संकट की घड़ी है इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों और खास तौर से मेरोली वाले को ऐसे बोलना चाहता हूँ, मेरोली पंचायत के लोगों को अपने घरों में रहें और जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें,
आप सभी लोगों से मेरी अपील है, ये जो स्टैंड पे लोग बैठते हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, जो बाजार में लोग बैठ के लूडो खेलते हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर कोरोना से लड़ना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, आप अपने घरों में रहें, ये इसका बचाव है। एक कृष्ण कांत जी मेरे को छोटा सा एक गाना याद है, मोटिवेशन है। अभी भीलवाड़ा में, राजस्थान में जो भीलवाड़ा जिला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए गए जी जी, तो वहाँ पे जब डॉक्टर पॉजिटिव आ गए तो डॉक्टर की जो स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनके मन पे क्या बीत रही होगी, उनके परिवार वाले पे क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, वो जब लोग अपनी इतनी सेवा कर रहे हैं उसके बावजूद हम नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। तो ये लोग एक भीलवाड़ा से 4-5 डॉक्टर की टीम ने एक गाना गाया था जी जी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो मैं ये जो वीडियो है अमेरिका के डॉक्टर्स ने भी इसकी बहुत तारीफ की थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, मैंने आज आपकी चैनल पे गाया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सबसे अपील रहेगी कि मेहरुली के वीडियो आते रहेंगे, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।